Good morning to everyone, and today I welcome you in the lecture number 56. आज हम लेक्चर नंबर 56 जो कि हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है सेट लेवल का वो लेने वाले हैं, जिसमें फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे. व्हाट हैव आई बीन डूइंग, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं क्या करता आया हूँ. व्हाट हैव आई बीन डूइंग, इसके आंसर्स हैं. तो ये सपोज़ कीजिए कि आपने मुझे पूछा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट हैव आई बीन डूइंग, मैं क्या करता आया हूँ. यानी कि पिछली बार लास्ट वीक की बात करता है, पिछली यानी अभी से पहले लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ. तो मैंने क्या क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ. तो जो फोर्थ नंबर का है वही आपको पेज नंबर 115 ओपन करना है, और ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है आपका, इसको बहुत ही अच्छे से आप समझिए. व्हाट हैव आई बीन डूइंग, मैं क्या करता आया हूँ, या आप देखो कि हम पास्ट की बात करेंगे. वेल लेट मी सी, चलो मैं आपको देखता हूँ मैंने क्या किया. वेल लेट मी सी, पहले देखिए कि लेट मी सी का यूज़ कहाँ करते हैं. मुझे देखने दो, या मैंने क्या किया, मुझे एक बार रिकैप करने दो, उस अर्थ में हम लेट मी सी का यूज़ करते हैं. ओके सो आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो अब मैं कह रहा हूँ व्हाट हैव आई बीन डूइंग, मैं क्या करता हूँ ऐसा. तो आपने मुझसे पूछा व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या करते हो, मैंने कहा व्हाट हैव आई बीन डूइंग ऐसा. फिर यहाँ से मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूँ. व्हाट हैव आई बीन डूइंग, मैं क्या करता हूँ. वेल चलो ठीक है, लेट मी सी, मुझे रिकैप करने दो. पहले तो लास्ट वीक की अगर मैं बात करूँ, तो आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट वीक. पिछले सप्ताह की बात है कि लास्ट वीक में मैं कहाँ गया था, सिनेमा गया था. आई वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म लग रही है यहाँ की, सिंपल पास्ट है. आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट वीक, यानी कि पिछले सप्ताह में सिनेमा गया. बट द फिल्म वॉज टेरिबल. टेरिबल मतलब एक तरह से भयानक थी, डरावनी थी, इस तरह से टेरिबल वहाँ के लिए यूज़ होता है. तो आप लिख लीजिए इनके मीनिंग्स. टेरिबल का मतलब होता है भयानक या डरावना. बट द फिल्म वॉज टेरिबल. अब ये मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ कि मैं पिछले सप्ताह सिनेमा गया, पर फिल्म जो थी वो टेरिबल थी, यानी कि डरावनी थी, वो भयानक थी. ओके व्हाट एल्स, और कुछ बताऊँ. व्हाट एल्स, व्हाट एल्स का मतलब क्या है. व्हाट एल्स जहाँ भी आप यूज़ करते हैं, तो ये और क्या, इस अर्थ में और क्या बताऊँ, और क्या, इस तरह से का मैं एक्सप्रेशन आपको दे रहा हूँ. फिर अपन सोचते हैं ना, तो ये एक एक्सप्रेशन आता है, देन इस तरह से हम हिंदी में भी करते हैं. आई एम मैड अबाउट शॉपिंग, आई एम मैड अबाउट स्पीकिंग, आई एम मैड अबाउट राइटिंग, इस तरह से. आई एम मैड अबाउट शॉपिंग, इसका मतलब क्या हुआ, आई एम मैड अबाउट शॉपिंग, यानी कि मैं ख़रीदारी को लेकर पागल हूँ, यानी कि इतनी ख़रीदारी करता हूँ, बहुत ख़रीदारी करता हूँ. सो आई एम मैड अबाउट शॉपिंग, आई एम मैड अबाउट स्पीकिंग, मैं स्पीकिंग को लेकर पागल हूँ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बोलता हूँ. कहने का मतलब इस तरह का है. तो आई एम मैड अबाउट शॉपिंग, इसका मतलब क्या हुआ, मैं शॉपिंग मतलब होता है ख़रीदारी, कुछ भी अपन ख़रीदते हैं तो वो शॉपिंग करते हैं हम. तो आई एम मैड अबाउट शॉपिंग, यानी कि मैं ख़रीदारी को लेकर पागल हूँ, मैं बहुत पागल हो गया हूँ ख़रीदारी को लेकर. आई एम मैड अबाउट शॉपिंग. द लास्ट टाइम, पिछली बार की बात करता हूँ. एक बात तो मैंने आपको बताई कि पिछले सप्ताह में शॉप मूवी देखने गया था, सिनेमा गया था, और जो फिल्म थी वो बहुत टेरिबल थी, भयानक थी. और फिर और क्या बताऊँ, और तो ये है कि मैं शॉपिंग को लेकर पागल हूँ, यानी कि शॉपिंग बहुत करता हूँ. और मैं आपको बता रहा हूँ उसके लास्ट टाइम आई वेंट शॉपिंग, लास्ट टाइम मैं शॉपिंग गया. तो देखो दो वर्ब एक साथ आते, अगली वर्ब में वैसे ही ing होता है. आई वेंट शॉपिंग विथ टू डे, लिसन, लास्ट टाइम आई वेंट शॉपिंग, पिछली बार जब मैं शॉपिंग गया वो टू डेज अगो, वो केवल दो दिन पुरानी बात थी कि दो दिन पहले ही मैं शॉपिंग गया. एंड यस्टरडे,
और कल जैसे दो दिन पहले तो मैं शॉपिंग गया था और एंड यस्टरडे, और कल क्या हुआ, यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह यानी कि जो कल गुजर चुका है उस सुबह आई ऑल्सो डिड अ बिट ऑफ शॉपिंग ऑन द इंटरनेट। परसों तो मैं गया ही था, दो दिन पहले तो गया ही था, लेकिन कल भी मैंने सुबह में मॉर्निंग में इंटरनेट से शॉपिंग की। मैं भी अमेज़न से मंगवाया, फ्लिपकार्ट से मंगवाया हो, ऑनलाइन स्टोर से कुछ मंगवाया हो, तो इंटरनेट से शॉपिंग किया। आई डिड अ बिट ऑफ शॉपिंग ऑन द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के थ्रू थोड़ी बहुत शॉपिंग की। तो पहले इसने क्या कहा, पिछले लास्ट वीक तो मैं कहाँ गया था, सिनेमा गया था, लेकिन जो मूवी थी वो टेरिबल थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मूवी थी बहुत ही टेरिबल थी, डरावनी थी, भयानक थी, और क्या बताऊँ। और तो मैं शॉपिंग के प्रति पागल हूँ, और पिछले बार जब मैं शॉपिंग पे गया तो वो दो दिन पहले की बात है, और कल सुबह मैंने कुछ शॉपिंग की इंटरनेट से। अब यहाँ पे आगे देखो क्या है, देर आर सो मैनी थिंग्स टू चूज़ फ्रॉम, यानी कि बहुत सारी चीज़ें थी इंटरनेट से शॉपिंग के लिए। सो देर आर सो मैनी थिंग्स टू चूज़ फ्रॉम माई पुअर क्रेडिट कार्ड। माई पुअर क्रेडिट कार्ड मतलब बेचारा क्रेडिट कार्ड, यानी कि उतनी लिमिट नहीं थी। मान लो मुझे शॉपिंग करनी थी 50,000 की, और बेचारा मेरा क्रेडिट कार्ड की लिमिट 28,000 ही थी। तो कहने का मतलब माई पुअर क्रेडिट कार्ड, यानी कि बेचारा क्रेडिट कार्ड मेरा, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी मुझे इंटरनेट पे। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ इसने यूज़ की है, यहाँ पे आप देखो, देर आर सो मैनी थिंग्स टू चूज़ फ्रॉम, ऐसी कई चीज़ें जिनमें से मैं चूज़ कर सकता था ख़रीदने के लिए। माय पुअर क्रेडिट कार्ड, बेचारा मेरा क्रेडिट कार्ड। फिर सोच रहा हूँ मैं आपको क्या बताऊँ। आई मेड सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट, और लास्ट नाइट की अगर मैं बात करूँ तो मैं कुछ फ्रेंड्स से मिला। फ्रेंड्स का नाम है सिल्विया, सिल्विया और जैनिस। मैं दो फ्रेंड है मेरी, सिल्विया और जैनिस, इनसे लास्ट नाइट में मिला। एंड वी ऑल वेंट, ऑल मीन्स मैं, सिल्विया और जैनिस तीनों तो ऑल हो गए। वी ऑल वेंट आउट फॉर अ मील, तो हम बाहर खाने के लिए गए हम तीनों। देखो इसने क्या कहा, सबसे पहले तो लास्ट वीक सिनेमा गया तो सिनेमा मूवी बहुत अच्छी नहीं लगी मुझे, और फिर मैं शॉपिंग के प्रति पागल हूँ, और पिछली बार जब मैं शॉपिंग गया तो दो दिन पहले की बात है, और कल मॉर्निंग में मैंने कुछ शॉपिंग इंटरनेट से की है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खरीदने की थी, लेकिन मेरा बेचारा क्रेडिट कार्ड इतना साथ नहीं दिया, उसने बहुत ही कम चीज़ें खरीद पाया। और क्या बताऊँ मैं आपको, कल मैं कुछ दोस्तों से मिला कल नाइट में, और दोस्तों का नाम है सिल्विया और जैनिस, और हम सभी बाहर गए खाने के लिए। वी ऑल वेंट आउट फॉर अ मील, हम सभी बाहर खाने के लिए गए। सिल्विया टोल्ड अस, अब सिल्विया ने हमें बताया कि अबाउट अ प्ले, और प्ले यानी कि कोई नाटक था थिएटर के अंदर, तो प्ले हो रहा था, तो वो सिल्विया ने हमें इसके बारे में बताया। शी सो एट द थिएटर, और उसने वो प्ले कहाँ देखा था, थिएटर में देखा था, जो भी प्ले यानी कि नाटक चल रहा था। प्ले का मतलब क्या हो गया, नाटक। तो वो जो नाटक था वो सिल्विया ने हमें उस थिएटर के नाटक के बारे में बताया, और उसने ये भी बताया कि इट वॉज रियली बोरिंग, बहुत बोरिंग था, कोई मज़ा नहीं आ रहा था उस नाटक में, कुछ उस प्ले के अंदर कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। इट वॉज रियली बोरिंग एंड शी हेटेड इट, और उसे पसंद नहीं आया, उसने उसको नफरत किया। ओके तो कहने का मतलब, जब हम बाहर मिल के लिए गए तो सिल्विया ने एक प्ले के बारे में बताया, उसने थिएटर में देखा था, और वो उसने कहा कि वो बहुत बोरिंग था और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ये बात हुई यहाँ पे। फिर उसके बाद अगला क्या है, स्विमिंग। ओ वेल, तैरने की बात करूँ तो आई कांट स्विम, अगर आप मुझे स्विमिंग का पूछ रहे हो तो मैं तैर नहीं सकता, आई कांट स्विम। वेल आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, बट आई लव स्पोर्ट्स। देखो अगर आप स्विमिंग की बात करते हो तो मैं तैर नहीं सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं
तो हाँ, मैं कहूँ कि आई लव स्पोर्ट्स, मुझे खेल बहुत पसंद है। आई प्लेड स्क्वैश, मैंने स्क्वैश खेला था विथ जेनिस दिस मॉर्निंग। अब मैंने जो स्क्वैश गेम जो खेला था, स्पोर्ट्स में स्क्वैश खेला था, और वो किसके साथ खेला था? जेनिस के साथ खेला था। और दिस मॉर्निंग यानी कि आज सुबह ही खेला था, ओके, यानी कि इस सुबह ही खेला था। और उसमें क्या, शी वॉन, वो जीत गई थी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल वो जीत गई थी और मैं हार गया था। स्पोर्ट्स मुझे पसंद है, हम दोनों ने खेला जेनिस, और मैंने आज ही सुबह हमने क्या किया, वो खेला स्क्वैश खेला, लेकिन वो जीत गई। स्विमिंग तो मुझे पसंद है नहीं। शी ऑलवेज डज, वो हमेशा जीतती है। शी ऑलवेज डज यानी कि वो ही हमेशा जीतती, मैं तो जब भी खेलता हूँ हार ही जाता हूँ। शी ऑलवेज डज, ओके। आई डोंट वॉच मच टेलीविजन, मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखता हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे टाइम भी नहीं मिलता। आई डोंट वॉच मच टेलीविजन यानी कि मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखता। और फिर आगे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आई कॉन्ट रिमेम्बर, मैं याद नहीं रख सकता द लास्ट टाइम आई डिड, यानी कि ऐसा कहें आई कॉन्ट रिमेम्बर द लास्ट टाइम आई डिड, मुझे नहीं पता है कि लास्ट टाइम मैंने टीवी कब देखी थी। सो आई कॉन्ट रिमेम्बर, मुझे याद भी नहीं है द लास्ट टाइम आई डिड, ओके। पिछली बार मैंने कब टीवी देखी मुझे ही नहीं पता है, ओके। एजेस अगो यानी कि एजेस अगो, वहाँ के लिए इन एजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय हो गया, मुझे भी नहीं पता लास्ट टाइम मैंने टीवी कब देखी थी, ओके। एजेस अगो मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये एक एक्सप्रेशन है। इन एजेस या एजेस अगो मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय हो गया मैंने टीवी नहीं देखी है। अब एक यहाँ पे सेंटेंस है, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। एट एनी रेट का मतलब आप लिख लो किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। एट एनी रेट आई वॉन्ट यू टू कम्प्लीट दिस चैप्टर, किसी भी कीमत पर। एट एनी रेट आई वॉन्ट यू टू कम्प्लीट ऑल द थिंग्स, मैं चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पर आप ये चीज़ कंप्लीट करो, ओके। तो एट एनी रेट मतलब किसी भी कीमत पर। अगला क्या है, गोइंग टू अ स्पोर्टिंग इवेंट। अब मैं अगर स्पोर्टिंग इवेंट पे जाने की बात करूं तो ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। रोब एंड आई, रोब मेरा एक फ्रेंड है, रोब एंड आई सो अ मैच लास्ट मंथ। रोब और मैंने एक मैच देखा था स्पोर्टिंग इवेंट में, लास्ट मंथ की में ही देखा था। माई फेवरेट टीम आर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड, देखो इसने क्या कहा यहाँ पे, आप देखो कि माई फेवरेट टीम आर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड दे वॉन। मेरी फेवरेट टीम, स्पोर्टिंग इवेंट इवेंट में गया था पिछली बार, रॉब के साथ गया था, और मेरी जो पसंदीदा जो टीम है, मेरी फेवरेट टीम है, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। और मैनचेस्टर यूनाइटेड तो मेरी फेवरेट है ही है, और एंड दे वॉन, और वे जीत भी गए, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक। फैंटास्टिक कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको बहुत ही मधुरम सुंदर लगे तो वहाँ पे लिए फैंटास्टिक आप यूज़ कर सकते हैं, फैंटास्टिक। ओ आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, हाँ मैं लगभग भूल ही गया, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट 2 वीक्स अगो। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, मैं लगभग ये चीज़ भूल ही गया 2 वीक्स अगो, दो सप्ताह पहले की बात करूँ यानी 15 दिन पहले की बात करूँ। आई वेंट टू लंदन, मैं लंदन गया। आई गेस आई हैव बिन बिजी, मुझे अनुमान है कि मैं बिजी रहा हूँ, ओके। तो इस तरह से ये बातचीत मैंने आपको बताई कि मैंने क्या क्या किया, एक तरह से इमेजिनेशन बेस्ड था पूरा। तो मैं पहले आपको पूरा ये टॉपिक समझा देता हूँ, तो आप अपनी बुक में बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे। तो चलिए देखो क्या है इसमें, तो मैं पूरा हिंदी में ही आपको बोलूँगा, आप नज़र रखें मैं आपको कहाँ समझा रहा हूँ, मैं क्या करता आया हूँ। चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ। मैं सिनेमा गया था लास्ट वीक, पर जो पिक्चर थी, जो मूवी थी, फिल्म थी,
बहुत डरावनी थी, भयानक थी। और क्या बताओ, मैं शॉपिंग को लेके बहुत पागल हूँ। और लास्ट टाइम मैं शॉपिंग पे गया था, वो ये लगभग 2 दिन पहले की बात है। और कल कल सुबह की बात करूँ तो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग इंटरनेट से की है। और वहाँ पे ख़रीदने के लिए, तो मैंने जब भी इंटरनेट खोला, ख़रीदने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें से मैं कुछ चूज़ करता। लेकिन बेचारा मेरा क्रेडिट कार्ड इतना सपोर्ट नहीं किया उसने। और मैं कुछ दोस्तों से मिला गई रात को, पिछली रात को, जो जिसमें एक तो सिलाइवा थी और चैनिस थी। और फिर हम सभी, मैं, सिलाइवा और जैनिस, हम सब बाहर खाने के लिए गए। तो सिलाइवा ने हमें बताया कि उसने कुछ नाटक देखा होगा थिएटर में, और वो बहुत ही बोरिंग था और वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर मैं स्विमिंग की बात करूँ तो हाँ ठीक है, मैं तैर नहीं सकता, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। स्पोर्ट कोई भी हो, खेल होता, वो मुझे बहुत पसंद है। तो जो स्क्वैश खेल में मुझे जो स्क्वैश हैं, वो मैंने जैनिस के साथ इस सुबह ही खेला था, और खेला और उसमें वो जीत गई। ऑफ कोर्स बिल्कुल वो जीत गई, और वो हमेशा ये जीतती आई। मैं जब भी खेला उसके साथ हमेशा हारता आया हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा टीवी तो नहीं देखता, और मुझे याद भी नहीं है कि पिछली बार मैंने टीवी कब देखी थी, बहुत लंबा टाइम हो गया। और किसी भी कीमत पर बहुत टाइम हो गया, मेरे को याद नहीं है। और मैं किसी भी कीमत पर एक तरह से बात कहूँ कि स्पोर्टिंग इवेंट तो मैं किसी भी कीमत पर जाता ही जाता हूँ। तो रोब और मैं, लास्ट पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने रोब और मैं मैच देखने गए थे। और मेरी फेवरेट टीम है मैनचेस्टर यूनाइटेड, और वे जीत भी गई, वे टीम जीत भी गई। और बहुत ही अच्छा अनुभव लगा मुझे। और मुझे, मैं लगभग भूल ही गया था कि 2 वीक्स पहले की अगर बात करें तो मैं लंदन गया था, और मुझे नहीं पता है कि मैं वहाँ पे बहुत ही बिजी रहा था। तो ये एक तरह का है पूरा इवेंट, इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से मैं लास्ट वीक कहाँ गया था और क्या किया मैंने। तो इसका पूरा डिटेल यहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन में, जो 1 वे कम्युनिकेशन है, इसमें बताया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये सारे जो जो खास मीनिंग है, इनको आप अंडरलाइन करेंगे। और भी कुछ डाउट्स और प्रॉब्लम हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि हाँ, मुझे यहाँ पे ये चीज़ की ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।